एक ही दिन के अंदर दो लीग के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक औरतों की लीग थी एक मर्दों की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। पीएसएल का मैच हो रहा है वाकई में, तो भाड़ में जाए क्योंकि अपन तो देख रहे थे यहाँ पर WBR और मेरे पैसे पूरे हो गए। यार देखो मुझे पता है पीएसएल का भी मैच हो रहा है, पाकिस्तानी मुझे पीएसएल देखना चाहिए, लेकिन भाई कौन देखे घंटे की लीग। सारा हमको तो यहाँ पर थ्रिलर चाहिए, हमको अच्छे मैचेस चाहिए, हमको खूबसूरत से मैचेस चाहिए, हमें ये घंटों की लीग नहीं देखनी। अरे यार ये WPL में जितने लोग आ रहे अभी इतने तो घंटे को भी नहीं देखने आ रहे। भाई भाई अब यकीन करना पड़ेगा, हमें बिलीव करना पड़ेगा कि पीएसएल फारिग हो गई है। आपने कहा हमारी दूसरी नंबर की लीग है, हमने मान लिया, हमने बिग बैश को भी बोल दिया कि नहीं यार ये IPL के बाद दूसरे नंबर की हमारी पीएसएल है। आज मैं देखता हूँ ना सातवें नंबर या छठे नंबर पे खड़ी हुई है पीएसएल। क्या बात, असल में पता क्या है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग ने पूरी तरह से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया। उसकी जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, तो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती है। ये हमारे नेबरली कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है। एक टाइम पे WPL भी हो रहा है, एक टाइम पे PSL भी हो रहा है, और एक ही टाइम पे बांग्लादेश की लीग भी हो रही है, और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो WPL में किया जा रहा है। मेंस के मुकाबले के अंदर लोग आए, व्यूअरशिप ज्यादा है, समझ आती है। वुमेन्स का मुकाबला था और ये वुमेन्स की प्रीमियर लीग ने PSL को अच्छी खासी टक्कर दे दी हुई है। मेरा जाती ख्याल है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, फ्लॉप शो है PSL 9। दुनिया से आप अच्छे प्लेयर बुलाएं, उन्हें पैसे दें, पैसे नहीं देंगे तो कोई भी नहीं आएगा। ना भाई क्राउड है, ना स्टेडियम अच्छे हैं, ना ब्रॉडकास्टिंग है, ना स्पॉन्सरशिप है, ना खाना अच्छा है क्या अच्छा, घंटे के किंग बताओ ना क्या अच्छा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय इंडिया और पाकिस्तान में अलग अलग T20 लीग जारी हैं। एक तरफ इंडिया में WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में PSL जारी है। दोनों ही लीग्स में इस समय नॉकआउट मैचेस खेले जा रहे हैं। हालांकि WPL का अब सिर्फ फाइनल मैच बाकी है, जहां एक तरफ WPL में मुंबई और RCB के बीच खेले गए एलिमिनेटर मैच में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ PSL में सिर्फ कुर्सियां मैच देखने आई थी। प्लेऑफ के दो मैच हो चुके हैं और सिर्फ 2000 लोगों ने ही स्टेडियम में आकर ये मैच देखे होंगे। स्टेडियम में जितने लोग PSL का मैच देखने आते हैं उससे ज़्यादा तो ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स मैच खेल रहे होते हैं। पाकिस्तानी लोग अपनी इस सस्ती लीग PSL का दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL से मुकाबला करते थे, लेकिन जब से WPL आई है तो इन पोर्कियों को इनकी असली औकात पता चल चुकी है कि IPL तो दूर की बात है, इनके PSL का WPL से भी कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की नंबर 2 लीग का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं कि हमारी PSL तो सातवें नंबर की लीग होने के लायक भी नहीं। आपको बता दें कि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो भी अपने प्लेयर्स को PSL से ज़्यादा पैसे ऑफर करती है। जब से इस बार का PSL स्टार्ट हुआ है तभी से लोग इसको ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अभी तो IPL में 6 दिन बाकी है, लेकिन PSL में जो गिने चुने फॉरेन प्लेयर्स थे वो सभी PSL को लात मार के इंडिया आ चुके हैं। पुराने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये PSL का आखिरी सीज़न होगा। WPL का क्राउड देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना था, वहां लोग थे यहाँ लोग नहीं थे। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे, एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक औरतों की लीग थी एक मर्दों की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक इंडिया की लीग थी एक पाकिस्तान की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के साथ IPL लगता है, एक के साथ PSL लगता है। समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं वुमेन्स प्रीमियर लीग की। वुमेन्स प्रीमियर लीग का कल एलिमिनेटर मैच था जिसके अंदर RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला था वुमेन्स का, ये मेन्स का नहीं। मेन्स के मुकाबले के अंदर लोग आए, व्यूअरशिप ज्यादा है, समझ आती है। वुमेन्स का मुकाबला था और ये वुमेन्स की प्रीमियर लीग ने PSL को अच्छी खासी टक्कर दे दी हुई है। जब से PSL कराची के अंदर गई है ना बंदा ना बंदे की जात, क्राउड आने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी नहीं क्राउड आ रहा। लोगों जो लोग टीवी के ऊपर मैच देखते हैं ना उनको साफ दिख रहा होता है, क्या गेस्ट चढ़ जाएगा कि प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी लोग नहीं आ रहे। पिंडी हाउसफुल, लाहौर हाउसफुल, मुल्तान हाउसफुल, लेकिन कराची हाउसफुल देखने को आंखें तरस गई हैं। PSL को पूरी तरह से
पाकिस्तान वालों ने ही खत्म कर दिया है। ये बात अगर मैं बोलू ना तो ठीक होगी, लेकिन कुछ घंटे कुछ जो है वो छनकने पाकिस्तानी फैन या कुछ घंटे ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे ये भाग या काट की ये बात बकवास फैलेंगे कि भाई जी वो इंडिया ने जी पीएसएल को खराब कर दिया जी, वो जी इंडिया की जी इंडिया ने जी पीएसएल को खराब किया। बेटा बात असल में पता क्या है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग ने पूरी तरह से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया। उसकी वजह पता है क्या, उसकी वजह ये है कि एक टाइम पे WPL भी हो रहा है, एक टाइम पे पीएसएल भी हो रहा है, और एक ही टाइम पे बांग्लादेश की लीग भी हो रही है, और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो WPL में किया जा रहा है, उससे बाद जो है वो बांग्लादेश की लीग में शुरू किया जा रहा है, और उसके बाद बाची पीएसएल जाती है तो फिर ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे पीएसएल आएगी। जो तीसरे नंबर पे आएगा वो तो हार जाएगा, उसका जो है वो बाज जाएगा, उसकी तो खुल के हाथ में आ जाएगी, ये वाला काम हो जाएगा ना। अब बात ये हुई है कि भाई WPL ने वुमेन्स प्रीमियर लीग ने एक्सपोज कर दिया पीएसएल को बुरी तरह से। पीएसएल में कराची की टीम के 13 प्लेयरों के साथ फूड पॉइजनिंग हुई है भाई, खाना गंदा मिल रहा है उधर ना भाई, क्राउड है ना, स्टेडियम अच्छे हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग है ना, स्पॉन्सरशिप है ना, खाना अच्छा है क्या, अच्छा घंटे के किंग बताओ ना है क्या अच्छा। बातें आप इस तरह फेल रहे होते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज फलाना और पीएसएल इज धमकाना छनकना है पीएसएल। मेरी बात सुनो, कराची किंग के 13 प्लेयरों को 18 में से 13 प्लेयरों को फूड पॉइजनिंग हुआ है भाई, उसमें से फॉरेन प्लेयर भी थे, डैनियल सैम ऑस्ट्रेलिया का, डैनियल सैम साउथ अफ्रीका का डिप्लॉय भाई, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, गंदा खाना मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। अब मुझे बताओ, फिर मेरी बात सुनो ना, क्यों छो पीएसएल का मैच हो रहा है वाकई में, तो भाड़ में जाए, क्योंकि अपन तो देख रहे थे यहाँ पर WPL और मेरे पैसे पूरे हो गए, मेरे पैसे पूरे हो गए, क्योंकि मेरी टीम RCB पहुंच गई है फाइनल में भाई, मतलब मैं क्या बोलूं, आज तो जश्न होगा, पार्टी होगी यार। देखो मुझे पता है पीएसएल का भी मैच हो रहा था, पाकिस्तानी मुझे पीएसएल देखना चाहिए, लेकिन भाई कौन देखे, कौन देखे घंटे की लीग, साला हमको तो यहाँ पर थ्रिलर चाहिए, हमको अच्छे मैचेस चाहिए, हमको खूबसूरत से मैचेस चाहिए, हमें ये घंटों की लीग नहीं देखनी, हमें देखनी है यहाँ पर IPL देखनी है को भाई, IPL देख रहे हैं, और यकीन करो देखने का पूरा पैसा वसूल हुआ है बिड़ू। यहां पर एलिसा पेरी, ओए होए होए क्या लड़की है ये यार, क्या ये एलियन है ये, क्या ये एबीटी विलियर्स की आत्मा आ गई है भाई इसके अंदर, इसका इलाज विराज कराओ। खैर इसी बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर देखने को मिलती रहे। भाईजान अगर आपको लीग देखनी है, अगर आपको क्रिकेट देखनी है, अगर आपको क्वालिटी क्रिकेट देखनी है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी जो धड़कने हैं वो ऊपर नीचे होती रहे, तो भाई RCB का मैच देखो, IPL देखो और RCB को सपोर्ट कर। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन WPL के एलिमिनेटर मैच में फुल क्राउड देखने के बाद। आपकी राय में PSL कौन से नंबर की लीग बची है, हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।